हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की अकाउंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 करेंगे। आई होप आपको इसके पहले तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बिकॉज क्या है, क्योंकि ये हमारा क्या है सीरीज, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म ही होने वाला। आई थिंक 77 क्वेश्चन है टोटल या 76 क्वेश्चन है, तो हम 68 नंबर क्वेश्चन पे हैं। इसके पहले के अगर आपको क्वेश्चंस देखने हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, ठीक है। मैंने वहाँ पे एक एक क्वेश्चन इसी तरीके से अच्छे से समझाया हुआ है। और जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती हूँ, मैंने आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों को ही क्या करती हूँ, अपने A4 शीट पे लिख लेती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आपको एक तरीके से पता चले कि क्या है सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता रहेगा सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं, फॉर्मेट नहीं पता रहेगा, तो सीख के भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बिकॉज क्या हो जाता है, एक तरीके से अगर आपको तरीका नहीं पता है, फॉर्मेट नहीं पता है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम लिखने में, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझा देती हूँ। बिकॉज सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पी क्यू एंड आर स्टूड एट 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो कैपिटल है पी क्यू और आर का, वो 2 लाख है, 1.5 लाख है और 1 लाख है, ठीक है। इन तीनों का मतलब पी का 2 लाख रुपीज़ है, क्यू का 1,50,000 है और आर का 1 लाख रुपीज़ है। After the necessary adjustment in respect of drawing and net profit for the year ended 31st March 2019, ठीक है। और ये जो इनका capital है, ये drawing और net profit की entry के बाद है, मतलब ये क्या है, ये closing capital है उन लोगों का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये closing capital है, यहाँ पे दिया भी हुआ है 31st March का है, तो यानी ये closing capital हुआ, ठीक है। It was subsequently ascertained that interest on capital at the rate of 10% per annum was not taken into account while arriving at the divisible profit for the year, ठीक है। फिर ये suddenly देखा गया कि क्या हुआ, interest on capital जो partners को देना था वो तो दिया ही नहीं गया है। फिर बता रहा है, drawings during the year 2018 and 2019 had been P is rupees 5,000 per month, Q 15,000 quarterly and R is 30,000, ठीक है। यहाँ पे दिया है 5,000 per month हमारा किसका है, P का drawing है, Q का 15,000 क्वार्टरली है, ठीक है, मतलब हर 3 महीने पे वो 15,000 निकाल रहा था, और R का ऑल ओवर ईयर मतलब एक साल के अंदर अंदर उसका 30,000 ड्राइंग दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,18,000 एंड पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। उस साल का प्रॉफिट क्या था, 1,80,000 था, और पार्टनर्स को ये किस रेशियो में बटा था, 2:2:1 के रेशियो में बटा था। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड रेक्टिफाई द लैप्स इन द अकाउंट। हमें क्या करना है, सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है और इसको, ये जो गलती हुई है उसको सही करना है, ठीक है। तो हमें इसके लिए पहले, हमें तो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल को क्या करना होगा, क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है, सबके लिए। तो यहाँ पे एक वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, देखो मैंने वर्किंग नोट बनाया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल की, ठीक है। आप ओपनिंग कैपिटल करके उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल कितना था, 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख रुपीज। अब हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग को ऐड करते हैं और प्रॉफिट को लेस करते हैं। तो उनका ड्रॉइंग कितना था, इसका 60,000 था, मतलब क्या था, 5,000 पर मंथ था, तो 5 को जब आप 12 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, क्योंकि क्या होता है 60 होता है, 12 5 जा 60 और 60,000 हो जाएगा, ठीक है। 5,000 है, बिकॉज ये 5,000 को हम 12 से इंटू करेंगे तो आएगा 60,000, और उसका क्वार्टरली 15,000 था, तो 15,000 को जब आप 4 से इंटू करोगे तो सेम क्या आएगा, 60,000, और फिर इसका 30,000 ओवर द ईयर था, ठीक है। तो ऐड हमने ड्राइंग ऐड कर दिया इनके कैपिटल्स में, तो हमने जब ऐड किया तो इसका आया 2,60,000, इसका आया 2,10,000 और इसका आया 1,30,000। अब जो प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, प्रॉफिट दिया हुआ था 1,80,000, ठीक है, प्रॉफिट था 1,80,000 रुपीज, ठीक है, और इसको 2:2:1 के रेशियो में बांटा था, मतलब 2/5
और 2/5 और 1/5, ठीक है, ये था। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से जब कटिंग काटेंगे तो 5 3 15, 30 इधर गया, 5 6 30 और 30, इसको जब 2 से इंटू करेंगे तो 0 0 0, 6 2 12 का 2 पर 1 जाता है, 3 2 6 6 7, 72,000 इसका आया, 72,000 इसका भी आएगा, बिकॉज क्या रेशियो सेम है। और इसका क्या आएगा, इसका 36,000 आएगा, बिकॉज यहाँ पे आप 1 कर दोगे तो इसको 2 से इंटू नहीं करना पड़ेगा, तो इसका आया 36,000। तो हमने जब ये लेस कर दिया तो इसका अमाउंट आया 1,88,000, इसका अमाउंट आया 1,38,000 और इसका अमाउंट आया 94,000। अब हमें क्या करना है, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है, तो सीधा सीधा हमें 10% निकालना है, तो सब में से आप क्या करोगे, 10 को माइनस कर दोगे, तो इसका आया 18,000, इसका आया 13,800 और इसका आया 9,400, ठीक है, यहाँ पे आएगा 18,800, ठीक है, बिकॉज इसमें से इसको जब माइनस हम करेंगे तो हमारा आया 1,88,000 और जब इसका 10 हटाएंगे तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 800 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है इस केस में, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है, तो आई एम नेसेसरी जनरल एंट्री पास करते हैं। तो देखो, फर्स्ट एंट्री हमारा क्या है, पीस कैपिटल अकाउंट डी आर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर, आर कैपिटल अकाउंट डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। इन तीनों का इतना इतना अमाउंट हमने डेबिट किया है और ये क्या है, ये प्रॉफिट और लॉस को हमने एडजस्ट किया है 1,80,000 को, ठीक है, ये जो टोटल 1,80,000 था उसको हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। पहली एंट्री हमारी ये हो गई। हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, इनकरेक्ट प्रॉफिट कैंसल, जो इनकरेक्ट तरीके से प्रॉफिट को बांट दिया गया था उसको हमने अब कैंसिल कर दिया, ठीक है, इतने इतने अमाउंट से इन लोगों को डेबिट करके, बिकॉज। फिर दूसरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डी आर टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों को इतना इतना दे दिया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 42,000 था, ठीक है, टोटल 42,000 था, इसका 18,800 था, इसका था हमारा 13,800 और इसका था हमारा 9,400। इतने इतने से हमने क्या कर दिया, इनको क्रेडिट कर दिया इनका कैपिटल, ठीक है, इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इनका, इनको वापस कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इन दोनों को हम एडजस्ट करेंगे 42,000 को, ठीक है, इतने से हमने इसको डेबिट कर दिया और इतने से इसको हमने क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ठीक है, बिकॉज ये फर्म के लिए तो लॉस था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसने दिया, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, यहां पे डेबिट कर दिया, ठीक है। फिर है हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डी आर टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें एक करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इनका जो करेक्ट प्रॉफिट था 1,38,000 रुपीज, वो हमने क्या कर दिया, इनको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1,38,000 जो था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, जो कि 2:2:1 था, ठीक है। अब ये 1,38,000 कहाँ से आया, अगर आप पूछोगे तो इनका पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो क्या था, प्रॉफिट जो इनका दिया हुआ था वो 1,80,000 था, जिसमें से हमने क्या किया, इनका जो 42,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो हमारा फिर करेक्ट क्या वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको प्रोवाइड कर दिया। उनको कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसी के तो वो हकदार होंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 1,80,000 में से जब हम 42,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,38,000 रुपीज। तो अब क्या होगा, ये 1,38,000 रुपीज हम इनको 2:2:1 के रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका आएगा 55,200, इसका आएगा 55,200 और इसका आएगा 27,600 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो करेक्ट प्रॉफिट था वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट किए थे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, तो प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा था, एडजस्ट हो रहा था, ये एंट्री थी, ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की एंट्री थी, और ये क्या थी, उनके जो करेक्ट कैपिटल की एंट्री थी, जो वो 1,80,000 की थी, उसको एडजस्ट करने की एंट्री थी, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, इस क्वेश्चन का एडजस्टमेंट एंट्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ
समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, बस हमें एंट्री करने के लिए बोला था, तो हमने एक वर्किंग कैपिटल बना के ओपनिंग कैपिटल के लिए हमने क्या कर दिया, जनरल एंट्री पास कर दी। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।